हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिम कॉलिंग जेल के बारे में। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लो, हिम कॉलिंग जेल। अब इसका मैं आपको डायरेक्ट अगर आपको यूज़ बताऊं तो सुनो, जब बंदा सेक्स के दौरान उसका लिंग सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता, ढीला पड़ने लगता है एक मिनट के अंदर, तो ये हिम कॉलिंग जेल, जो कि एक आयुर्वेदिक हिमालय कंपनी का जेल है, ये उसके लिंग को कठोर बनाने का काम करता है। जैसे टाइगर किंग हो गया, टाइगर किंग स्प्रे हो गया, वैसे ही हिम कॉलिंग जेल आपके लिंग को थोड़ा सा कठोर बना देगा, जिससे आपको सेक्स का मज़ा ले सकते हैं, जिससे आप संभोग का मज़ा ले सकते हैं। तो ये काम इस हिम कॉलिंग जेल का है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि ये जो जेल है हिम कॉलिंग, ये लिंग को भी लंबा करता है या नहीं। तो भैया, ये लंबा नहीं करता, लंबा करने की दवाइयाँ और आती हैं। ये सिर्फ आपके पीनस को जो है थोड़ी सी पावर दे देगा, ताकि आप संभोग का मज़ा ले सको। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि ये लिंग का साइज़ बढ़ाती है। ऐसा कुछ नहीं है, लिंग का साइज़ नहीं बढ़ाती, केवल आपके पेनिस की शक्ति बढ़ा देगी, जिससे आपका पेनिस शक्ति मतलब चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती में आ जाएगा और वो मज़ा ले सकता है। तो बात करते हैं कि इसकी MRP कितनी है। तो इसकी MRP है 175, लेकिन मेडिकल वाला आपका जानता हुआ है तो 170 तक की दे देगा। अब मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ करना किस तरीके से है। सेक्स से 5 मिनट पहले पीछे करके इसको अप्लाई करना है पूरे पार्ट पर। अप्लाई करने के बाद चाहे आप उस पर निरोध चढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको रिमांड करूँगा कि बिना निरोध चढ़ाए आप कर सकते हो, अगर वो आपकी वाइफ है तो। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको प्रेगनेंसी के खतरे में मत डालना। क्या फ़ायदा फिर आप अनवांटेड खिलाते फिरो, या अनवांटेड किट खिलाओ, अनवांटेड 21 खिलाओ, तो वो बहुत गलत चीज़ है ना। ऑलवेज़ यूज़ कॉन्डोम व्हेन यू आर डूइंग सेक्स और एनी अदर थिंग। तो इससे ये है कि आपको जो है HIV वगैरह बीमारियों से भी राहत मिलेगी, बल्कि अनवांटेड प्रेगनेंसी का भी खतरा नहीं रहेगा। तो ये बाकी मैंने आपको इसका यूज़ बता ही दिया है किस तरीके से यूज़ करनी है। तो एक बार यूज़ कर सकते हो, आराम से आपका 2-3 घंटे का ड्यूरेशन निकल जाएगा। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की वीडियो। बाकी कोई सवाल पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, बाय बाय।